ओके okay, जी अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे आज है हमारा सेशन नंबर एट हाउ टू बिल्ड योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स आज जो हम दो टॉपिक कवर्स करेंगे सबसे पहला है आपका लॉन्च योर ओन वेबसाइट और सेकेंड है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स तो सबसे पहले हम आते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है उसके लिए बेसिकली आपको क्या चीजें चाहिए आपको एक डोमेन चाहिए जो कि आपके उस एजेंसी नेम के ऊपर होगी जिस एजेंसी नेम की आपकी आप एजेंसी का जो नेम है उसी नेम से आप डोमेन लोगे लेट्स एजेंसी का नाम रखता हूँ एक्स वाई जी मार्केटिंग ठीक है ये मेरे एजेंसी का नेम है तो मैं कोशिश ये करता हूँ जी मार्केटिंग डॉट कॉम ही डोमेन मुझे मिले डॉट या डॉट को डॉट पी के इस तरह की डॉट नेट की भी इवन में मैं नहीं लेता मैं कोशिश मेरी यही सबसे पहले यही होगी कि मैं डॉट कॉम की डोमेन लू डॉट कॉम की डोमेन ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ठीक है जिसको बाकी भी आपकी वेबसाइट जितने भी डोमेन नेम्स हैं उनके ऊपर वो चलती है वो उसमें कोई मसला नहीं आता डॉट पी के भी एप की इंटरनेशनली लोग मतलब इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकती है पूरी दुनिया में बट डॉट कॉम का एक स्टैंडर्ड है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उसी स्टैंडर्ड को मेनटेन करके रखू तो आप किसी भी नाम से लो ठीक है कोई भी नाम अपनी एजेंसी का रखो तो सबसे पहले उसकी डोमेन को जाके बुक कर लो Uh, उसके अलावा आपकी होस्टिंग और सर्वर्स वगैरह हैं ठीक है ये इजीली आपको गो डेडी के ऊपर जाओगे आप या ब्लू होस्ट इस तरह के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों एक ही चैनल से मिल जाती है वहां से उसको बाय करना पड़ता है आपके आपने अपने कार्ड से उसको बाय करना है ठीक है पंद्रह डॉलर बीस डॉलर इस इतना रेट होता है आपको डोमेन प्लस होस्टिंग एक साल की आ, दोनों चीजें मिल जाती हैं उसके बाद आपको चाहिए वर्ड की थीम वर्ड प्रेस की थीम के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा गूगल पे जाके आप लिखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट थीम या बिजनेस थीम या कॉर्पोरेट थीम्स आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट के नाम से जिसके पास बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं कुछ फ्री भी हैं कुछ आपको पेड भी अच्छी जो टेम्पलेट्स हैं वो पेड भी मिल जाती है और ये भी हमने लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा रिसर्च किया था इसके ऊपर अब सवाल ये आता है कि मुझे किस तरह की आ, थीम बाय करनी है या मुझे किस तरह का वेबसाइट का लुक फील एंड लुक क्या होना चाहिए किस तरह की मुझे थीम को बाय करना चाहिए लास्ट सेशन में हमने आई थिंक दो सेशन पहले आ, अपने कंपटीटर एनालिटिक्स और रिसोर्सिस और उन सब चीजों को जिसमें डिस्कस किया था उसमें अपने बहुत सारे अपने जो कंपटीटर्स हैं उनकी वेबसाइट को देखा था तो वहां से आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपकी वेबसाइट किस तरीके कार की होनी चाहिए ठीक है तो आप यही कोशिश करो कि जिस तरह आपके कंपटीटर की वेबसाइट है जिस तरह आपको आइडियाज अच्छे लग रहे हैं आपको सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा ठीक है अः पेड थीम ले लोगे तो वंस फॉर लाइफ आपने उसको बाय करना है uh, ज्यादा उसमें फायदा हो जाएगा थर्टी डॉलर uh, आई थिंक इतने से शुरू होती है थर्टी डॉलर फोर्टी डॉलर ये जो थीम है ये कितने की है यहाँ पे कहीं पे रेट का होगा सिक्सटी डॉलर ठीक है ये पूरा आपको बंडल मिल जाएगा सिक्सटी डॉलर में इसमें आपको काफ़ी सारी सपोर्ट्स और सब चीज़ें मिल जाती हैं ठीक है ठेके? तो इसी के कार से आप अपने लिए थीम को फाइंड करो जौन सी थीम आपको सूटेबल लग रही है जौन सी थीम आपको आ, मुनासिब लग रही है आप उसको यहाँ से बाय कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल फ्री वाली थीम चाहिए ठीक है तो आप गूगल पे उसको भी जाके सर्च करो वेबसाइट फ्री थीम्स डाउनलोड ठीक है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री में भी आपको थीम्स मिल जाएंगे आपने उसको डाउनलोड करना है और उसको रेडी टू यूज़ होती है आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है बट मेरा मशवरा ये है कि आप थीम बाय कर लो सिक्सटी डॉलर्स आपने एक दफ़ा थीम को बाय करना है और वो हमेशा के लिए थीम आपकी होगी और आप उसको जब चाहे जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो इस पर थोड़ी सी आप लोगों ने रिसर्च करनी है थीम के ऊपर खासतौर कि एक दफा या थोड़ा सा पहले कंपटीटर्स का एनालाइज करना शुरू करो आपके कौन से कंपटीटर्स हैं उनकी वेबसाइट कैसी है उसका लुक एंड फील कैसा है किस तरीके कार की वो वेबसाइट दिख रही है देन आ, अपना एक आप डिसाइड करो किस तरह की आपको थीम चाहिए और उसको बाय कर लो ठीक है ये आपका हो जाएगा थीम वाला पार्ट उसके बाद जो पार्ट है वो आपका कंटेंट का है आप जिसमें इमेजेस आ जाती हैं जिसमें बैनर्स आ जाते हैं और जिसमें आपका टेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट माने आपका जो कंटेंट उसके ऊपर लिखा हुआ है बैनर के ऊपर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने अबाउट अस में क्या लिखना है आपने और सर्विसेज uh, के बारे में आपने क्या टेक्स्ट लिखना है तो वो हमने सारा का सारा टेक्स्ट अपनी प्रोफाइल जो पोर्टफोलियो जो बनाया था उसमें वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है आपको वेबसाइट के मेन बैनर्स चाहिए होंगे वो गूगल से कॉपी करना शुरू करो गूगल पे Uh, हर उन्होंने जो नई अपडेट उसमें आई है हर इमेज के नीचे लिखा हुआ है ये कॉपीराइट क्लेम है ये कॉपीराइट क्लेम नहीं है नो no कॉपीराइट्स है और वहां से उसको कॉपी करो फोटोशॉप में लेके जाओ रिसाइज करो उसको एडिट करो जिस तरीके कार से आप उसको बैनर्स को इमेजेस को डिस्प्ले करना चाहते हो उस तरीके कार से आप उनको एडिट कर लो ठीक है तो ये है आपका वेब वाला पार्ट बेसिक क्या चाहिए आपको डोमेन चाहिए आपके एजेंसी नेम के ऊपर होस्टिंग आपको जहां से आप डोमेन बाय कर रहे हो वहां से आपको गोडेडी से जाके ले लो ब्लू होस्ट से जाके ले लो ठीक है या इसको थोड़ा सा सर्च करो गूगल पे जाके बेस्ट डोमेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज या बेस्ट होस्टिंग इंटरनेट पे जो सबसे ज्यादा बूस्ट किया गया है किसी प्रोडक्ट को तो वो ये डोमेन और होस्टिंग है ठीक है तो आपको बेतहाशा ऑप्शन मिलेंगे अनगिनत ऑप्शन मिल जाएंगी आप पंद्रह डॉलर बीस डॉलर से आपकी डोमेन होस्टिंग वाला एक साल में इतना खर्चा है इसका टोटल बाकी थीम आपके पास पेड की ऑप्शन भी है जो कि रिकमेंडेड है आप पेड थीम ले लो कोई टेंशन नहीं है कहीं डर नहीं होता कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई स्ट्राइक जिस तरह होती है आप यूट्यूब चैनल्स के ऊपर स्ट्राइक्स होती हैं इस तरह क्लेम हो जाता है कि यार ये फ्री की मेरी थीम यूज करे पेड थीम है बस ने फ्री में कहीं से डाउनलोड की और उसको यूज कर रहा है या इसने हैक किया या इस तरह कुछ और वो अल्टीमेटली क्या होता है गूगल आपकी वेबसाइट को या आपके डोमेन को ब्लैक लिस्ट भी कर देता है ब्लॉक भी कर देता है इस तरह के मसले मसाइल से बचने के लिए $60, $40 में मिल थर्टी डॉलर की भी डोमेन मिल जाएगी थोड़ा सा रिसर्च करो और उसको लगा दो तो. बाकी कॉन्टेंट वाला काम हम ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं तो ये हमारे वेबसाइट का पार्ट है सारा कौन से पेजेस होंगे पेजेस के नाम क्या होंगे कौन सर्विसेज आपने टैग करनी है बटन कौन कौन से होंगे ये सारे का सारा काम अपने अपने पोर्टफोलियो में और जो कम्पिटिटर्स को हमने सर्च किया था उनको कॉपी जिनको हमने करना है, उनको देखा था तो वहां से सारे का सारा डाटा मिल जाएगा इसके ऊपर इतनी मेहनत करने की इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है जस्ट कॉपी पेस्ट करो थोड़ा सा चेंजेस करो आ, ताकि वो कॉपी राइट क्लेम में ना आ जाए और बस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दो और इस टाइम मुझे इतनी कोई इसमें परफेक्शन भी नहीं चाहिए अगर इमेजेस इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे या इतना अच्छा उसमें डिज़ाइन नहीं भी होगा तो भी चलेगा क्योंकि हमने अभी बेसिक स्टार्ट है और इसको हमने टाइम के साथ साथ एडिट करते जाना है टाइम के साथ साथ इसको बेहतर करते जाना तो इस टाइम हमने एक एग्जीक्यूशन वाले पार्ट तक पहुंचना है उसके लिए भी जैसा भी मिल रहा है बस उसमें डालते रहो ताकि ये एक बॉक्स टिक हो जाए और हम नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाए ठीक है आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट ओके नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और सोशल मीडिया की प्रेजेंस हमें जो कंपल्सरी चाहिए वो और इंस्टाग्राम के अकाउंट है फेसबुक पेज उसी नाम से बनाओ जिस नाम से आपने डोमेन ली है उसका यूजर नेम भी वही होना चाहिए कोशिश करो आपको वही नाम मिल जाए थोड़ा बहुत अगर यूजर नेम नहीं अवेलेबिलिटी के ओर होता वो नहीं भी मिलता उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी एजेंसी के हिसाब से और थोड़ा सा वो प्रोफेशनल लुक वाला ही होगा नाम उसका सेकेंडली अपने आप इंस्टाग्राम का भी अकाउंट उसी, उसी नाम आपका फेसबुक है और उसी नेम से की तो सारे ये एक सिंक एक ही नाम से तमाम आपके अकाउंट्स होंगे उसके बाद सेकेंडली आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट वाला पोर्शन भी होगा जिसमें आपने अपने एजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हैं जो कि आपको एस में बहुत हेल्प करेंगे आपको और जो आपकी क्लाइंट्स की एक्विजिशन है उसमें बहुत हेल्प करेंगे ठीक है हम लेटर ऑन इनको डिस्कस करेंगे कि वो किन टॉपिक्स के ऊपर होने चाहिए और कितने कंटेंट उसमें होने चाहिए बट एक ये पार्ट भी ऐड हमने लाजमी करना है तो इसको भी आप अपने माइंड में रखिएगा फिर आपके सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट्स है जिसमें लिंकड है आपका पिंटरेस्ट है आपका यूट्यूब है और भी कुछ अकाउंट्स है बट वो लेटर ऑन हम उनको बनाएंगे बस आ, बट स्टार्ट में हमें ये सब चीज़ें चाहिए और इसके साथ एक चीज़ और चाहिए आपको व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ठीक है एक नंबर बाय कर लें उसको हर जगह डिस्प्ले करें अपने फेसबुक के ऊपर अपने यूट्यूब के ऊपर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर और उसी को आ, वेबसाइट के ऊपर भी आप उसको एड कर सकते हैं ठीक है तो इसी कार से ये आपकी तमाम की तमाम चीज़ें सिंक हो जाएंगी और एक बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी ठीक है तो ये हमारे जो सारे पार्ट थे आ, ये थे हमारी जो बेसिक फंडामेंटल्स थे या जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स थे वो हमने तमाम के तमाम कवर कर लिए है कोई भी में आपको क्वेश्चन आता है किसी चीज में भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी डोमेन कहाँ से लेनी है होस्टिंग कहाँ से लेनी है थीम कहाँ से लेनी है पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ये तमाम के तमाम डिटेल में तम, लेक्चर्स ऑलरेडी अग्ण। अपलोडेड हैं उनको आप देख सकते हो स्टिल कोई मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो ठीक है तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक चीजें थी वो पूरी होगी अब असल चीज जो काम है वो हमारा स्टार्ट हुआ है तो आप ये समझ सकते हो कि असल सेशंस जो है वो अभी स्टार्ट हुए हैं असल एजुकेशन जो है या लर्निंग जो है वो अभी स्टार्ट हुई है अब हमने करना है इसको मार्केट ठीक है मार्केट करने के लिए हमें एक प्री प्लान बनाना है जो कि हम मार्केटिंग करने से पहले अपना प्लान बनाएंगे और फिर एक हमारा प्लान होगा हो कि मार्केटिंग करने के बाद Strategies, हम किस कार से उसको लेके ठीक है तो उससे पहले कंपर्सरी है कि ये तमाम की तमाम की चीजें आपके पास कंप्लीट हो आपके पास की लिस्ट हो, मुझे अगर काम आता है तो ये बंद करेगा अगर वेब का काम आता है तो ये बंदा करेगा अगर वीडियो का काम आता है तो ये बंदा करेगा अगर एप्लीकेशन का काम लेट्स आप उसको भी पोर्टफोलियो में रहे हो तो ये करेगा जितनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को उस तमाम डिपार्टमेंट के रिसोर्सेस आपके पास ऐड होने चाहिए आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके पास ये ये जो के साथ काम करेंगे आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो ठीक है वन पेजर या मैक्सिमम टू पेजर आप अपना एक पीडीएफ में आ, बना के रखो उसको व्हाट्सएप के ऊपर अपने पास कॉपी करके रखो उसी को हमने वेबसाइट के ऊपर उसी कंटेंट को वेबसाइट के ऊपर यूटिलाइज करना है बैनर्स बना लो अपने आ, जिसमें आप सर्विसेज जो जो प्रोवाइड कर रहे हो उसके हवाले से और लेट्स सपोज कि अगर आपको वो सर्विसेज के बैनर्स नहीं मिल रहे तो आपने गूगल पे जाके लिखना है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज अब यहां से इमेजेस में जाओ और ये देखो ठीक है ये बना बनाया बैनर यहाँ पे पड़ा हुआ जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करो फोटोशॉप में लेके जाओ अपना लोगो लगाओ कुछ एडिट कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ से कर सकते हो देखो ये तमाम के तमाम बैनर्स वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इस तरीके कार की ये बेसिकली बैनर्स हैं जो कि आपने वेबसाइट में यूज करने हैं अब यहाँ पे सबके नीचे यहाँ पे साइज वगैरह दिया होता है आप इनको ईजीली यहाँ से उठा सकते हो ठीक है कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है कोई इसमें वो नहीं है इमेजेस मे बी सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है इस पे तो आप इसको यूज कर सकते हो क्योंकि इस पर लोगो वगैरह कोई मार्क कुछ भी नहीं आ रहा कॉपी करो इसको थोड़ा बहुत एडिट करो लोगो शोको लगाओ और यूज कर लो ठीक है तो नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ने के लिए नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कंपल्सरी है जरूरी है कि आपके पास पिछली तमाम की तमाम चीजें कंप्लीट हो आपके पास आपकी वेबसाइट हो आपके पास आपका पोर्टफोलियो बनाओ आपकी सोशल अकाउंट्स तमाम के तमाम कम्प्लीट हों देन हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम मूव करेंगे कि अब हमने मार्केटिंग करना स्टार्ट करनी है अपने बिजनेस की और अपने क्लाइंट्स को लेके आना शुरू करना है अपने वेबसाइट के ऊपर उनको लैंड करवाना है उनसे मीटिंग्स uh, करना शुरू करनी है और उनको एंगेज करना शुरू करना है कि वो हमारे हमारे साथ एंगेज होना शुरू हो ठीक है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पेपॉल वगैरह स्ट्राइप के अकाउंट की जरूरत पड़ेगी मेरे इसी चैनल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग का एक सेशन अपलोडेड है आप वहां पे जाके देख सकते हो और उसमें पेपॉल बनाने का तरीका कार है आप अपना पेपॉल कैसे बना सकते हो स्ट्राइप का उसमें भी मिसिंग है वो मैं अपलोड कर दूंगा सेशन एक बना के ठीक है बट आप पेपॉल वगैरह वहां से बनाना सीख सकते हो तो ये हमारा जो बेसिक चीजें थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम डायरेक्टली मूव करेंगे मार्केटिंग वाले पार्ट में और इसमें बहुत सारी चीजें हैं ठीक है आप अपनी जो मार्केटिंग करनी है उसकी चीज़ें हैं जो आपने अपने क्लाइंट्स क्लाइंट्स लाने के लिए मार्केटिंग करनी है, अपने के लिए लिए मार्केटिंग मार्केटिंग करनी करनी है है अपने उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी तो बेसिक अभी ये जो डिजिटल एजेंसी वाला सेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है तो इनशाला नेक्स्ट सेशन में हम इन तमाम चीजों को वन बाय वन करके अगेन स्टडी uh, करना शुरू करेंगे कि हमने अब वर्किंग कैसे करनी है अब रियल टाइम एग्जीक्यूशन पे कैसे जाना है बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि उससे पहले ये तमाम की तमाम चीजें आपके पास कंप्लीट हो आपकी वेबसाइट हो उस पर तमाम चीजें अपलोडेड हों आपकी सर्विसेज आपके प्राइस मॉड्यूल्स आपका पोर्टफोलियो और आपको ये आइडिया हो कि आप किस नीच में या किस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हो ठीक है इतना काम आप करो और उसके बाद फिर इनशाला हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे और अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी आपने बना ली आपके फेसबुक पेज आपने बना ली है तो कमेंट्स में मुझे उसके लिंक वगैरह सेंड करना शुरू करो ताकि मैं उसको देख लूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या उसमें कुछ चेंज करवाना होता है तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रहा कर लो नीचे व्हाट्सएप पर मेरा नंबर भी गिवन है वहाँ पे भी कम्युनिकेट आप मुझसे कर सकते हो अपने वेबसाइट वगैरह वे बनाइए पोर्टफोलियो बनाया वो मुझसे शेयर कर सकते हो ताकि मैं अपना उस पर फीडबैक कुछ अच्छा है बुरा है कुछ चेंज करना है तो आपको मैं हाथ के हाथ बता दूँ ठीक है चलें थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां से फिर हम एक, एक एग्जीक्यूशन वाला पार्ट को स्टार्ट कर देंगे थैंक यूज